नाज़रीन, भारत के मारूफ कमेंटेटर, यूट्यूबर और साबिक क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का कहना है कि भारतीय बैटर्स के दिमाग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी विराजमान है। एशिया कप वनडे में 2 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान श्रीलंका के पारेकिल स्टेडियम में मुकाबला हुआ, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। मैच के दौरान बारिश की आंख मचोली भी जारी रही और इख्तिताम पे पाकिस्तान या भारत नहीं बल्कि बारिश ही फतहयाब हुई। अलबत्त पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने अपनी जो धाक बिठाई उसे दुनिया ने सराहा, हत्ता के भारत के साबिक खिलाड़ी भी दाद देने से नाराज थे। इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने 4 जबकि नसीम शाह और हारिस रफ ने 3-3 विकेट हासिल की और भारत की पूरी टीम 266 पे ऑल आउट हो गई। शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की अहम विकेट हासिल की थी। आकाश चोपड़ा ने इस मैच पर तबसरा करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर कहा है कि बारिश की वजह से खेल खत्म होने से कबल शाहीन उनके लिए मैन ऑफ द मैच थे। उन्होंने कहा है कि हमें सबसे पहला प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में बात करने की जरूरत है, चाहे खेल मुकम्मल खत्म न हुआ हो। साबिक क्रिकेटर ने कहा है कि वैसे ही तो देखा जाए तो इस मैच में मैन ऑफ द मैच बहुत से दावेदार थे, जैसा कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने 80 रन की इनिंग खेली जिसने हिंदुस्तान को उस मकाम पर पहुंचा दिया जिससे वो लड़ सकते थे, लेकिन मेरा प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी है। आकाश चोपड़ा ने शाहीन को सराहते हुए कहा है कि शाहीन ने मैच के आगाज से ही भारत के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग की। लड़के के पास क्लास है, वो गेंद को अच्छा रफ्तार से स्विंग करता है और ऐसा लगता है कि वो शाहीन हमारे जहनों में किराए के बगैर रह रहा है, क्योंकि जब वो गेंद कराने के लिए भागना शुरू करता है तो मुझे नहीं मालूम कि बल्लेबाज क्या सोचते होंगे, लेकिन हमें लगता है कि उसकी गेंद पैड पे लगे या बल्ले पे बल्लेबाज को आउट कर देती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।